नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। बौद्ध सम्मेलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान, कहा अपने धर्मों को माने और दूसरे के धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। डोंगरगांव विधानसभा में सीएम ने खोला सौगातों का पिटारा। लाल बहादुर नगर बनेगा नगर पंचायत, अर्जुनी में खुलेगा कॉलेज। और भानुप्रतापपुर के लिए भाजपा ने 5 नामों का पैनल किया तैयार। समिति द्वारा चुने गए नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया। अब देखते हैं खबर विस्तार से। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन को लेकर हो रहे विवाद पर सीएम ने कहा कि कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपने धर्मों को माने और दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। बता दें कि 7 नवंबर को राजनांदगांव में आयोजित हुए बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया गया है। समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को धान खरीदी के मद्देनजर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान के तौल, परिवहन और बारदाने की व्यवस्था पर ध्यान दें, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले, इसे विभिन्न विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान उपार्जन केंद्रों में जाम न लगे, इसकी व्यवस्था की जाए और कोदो कुटकी रागी की खरीदी भी समर्थन मूल्य में करने को लेकर अधिकारी ध्यान दें। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगातों का पिटारा खोला। कार्यक्रम में उन्होंने लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाने सहित कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा में बैठकर हम योजना बनाते हैं, सचिवालय में इस पर बारीकी से कार्य होता है, फिर जिला प्रशासन इसे कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने चिट फंड कंपनियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इन कंपनियों ने निवेशकों को आर्थिक क्षति पहुंचाई है, उनके द्वारा झूठे वादे किए गए और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार इन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। देश में पहली बार निवेशकों की राशि वापस हुई। इन कंपनियों के कई डायरेक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं। इस दौरान संवेदनशील पहल करते हुए दुर्लभ बीमारी हीमोफीलिया से ग्रसित 2 बच्चों के इलाज के लिए शासन से राशि स्वीकृत करने की सहमति दी। भानुप्रतापपुर सीट के लिए भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति ने 5 नामों का पैनल तैयार किया है। समिति द्वारा चुने गए नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि पार्टी ने भानुप्रतापपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी। बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में चुनाव समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत अन्य सदस्यों समिति ने 5 नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौतम उइके, पूर्व सीएम एचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर के बेटे हेमंत सिंह ठाकुर, एसटी मोर्चा के कार्य समिति सदस्य परमानंद त्रेता और चारामा के विजय मंडावी का नाम शामिल है। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में गड़वा बाजा और मुरली की तान पर 45वां राउत नाचा महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव में कोरबा, जांजगीर चांपा से भी नर्तक दल पहुंचे। राउत नाचा महोत्सव में राज्य भर से यदुवंशी शामिल हुए। दलों के कलाकारों ने रंग बिरंगे कपड़ों पर कौड़िया, जटी जैकेट और अलग अलग तरह की चमकदार रंगीन टोपियां पहनी थी, जो काफी आकर्षक लग रही थी। शाम होते ही दल सज धज कर आयोजन स्थल पहुंचे। श्री कृष्ण यादव झेरिया समाज रायपुर की टीम ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। दलों ने लाठी चालन के साथ कलम चलाने का भी संदेश दिया, बच्चों के लिए शिक्षा को बेहद जरूरी बताया। 80 से अधिक दलों के कलाकारों ने सामाजिक संदेश और कृष्ण भक्ति के दोहों के साथ राउत नाच का प्रदर्शन किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।